हम लक्ष्मीनाथ मंदिर जा रहे थे तो हम गूगल मैप तो बिल्कुल भी सही नहीं लेके गया, तो फिर हमने 4-5 लोगों से पूछा और उन्होंने जो रास्ता बताया तो उस तरफ जा रहे हैं, और वो एक आगे मोटरसाइकिल वाला भाई हमें लेके जा रहा है, कह रहा कि मैं आपको रास्ता बता देता हूँ, साथ में चलता हूँ। तो वो भी हमें लेके जा रहा है सही रास्ते पर। अभी देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं हम। और ये आगे से ऊंट आता हुआ, कितना सोना ना। तो फाइनली हम पहुंच ही गए गिरते पड़ते। तो आगे तक गाड़ी आ जाती है, अभी रश नहीं था तो हमें मिल गई पार्किंग, बाहर गाड़ी लग जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं, हम माथा टेकने अंदर श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में आए हुए हैं अभी हम। तो यहाँ से हम एंटर हुए थे, एंटर होते ही आप लेफ्ट मारो, यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग है। देखने में लगता है कि गली छोटी होगी लेकिन यहाँ पे पैरेलल पार्किंग लग जाती है गाड़ियों की, बहुत अच्छी। सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, अगर आप गाड़ियों पे आ रहे हो सीधा चले जाओ, सीधा जाके फिर आपको मंदिर मिल जाएगा। लक्ष्मीनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने आपको मोटरसाइकिल या स्कूटरी लगाने की जगह मिल जाएगी, बिल्कुल सामने, आपको कहीं दूर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मंदिर के बाहर काफ़ी सुंदर तस्वीरें बनी हुई हैं, और अंदर से वीडियो बनाने नहीं देते वो, आपको बोलते हैं इवन जब आप अंदर एंटर करते हो तो लेदर की कोई भी चीज़ नहीं आपको अंदर पहन के जाने देते, जैसे कि पर्स हो गया या लेदर की बेल्ट हो गई, वो सारी बाहर उतार के जानी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि कोई उठा के ले जाएगा बाहर से, जैसे वहाँ बाहर रेलिंग बनी हुई है तो अपनी बेल्ट आप उसके ऊपर टांग के अंदर जा सकते हो। और अंदर से मंदिर काफ़ी खूबसूरत था, आई विश कि हम आपको वीडियो बना के सारा मंदिर दिखा सकते, बट ऐसा नहीं हो पाया। बट अगर आपको राजस्थान जाने का मौका मिलता है बीकानेर में, तो लक्ष्मीनाथ मंदिर में ज़रूर होके आइए।